नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज के हम इस सेशन में बात करेंगे अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज। अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज के शानदार जो प्रश्न रहने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए सेशन से, क्योंकि आज का अपना टॉपिक रहेगा अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज के टॉप क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन और ए डी जी जे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन, तो देखिए। तो सबसे पहले बात करें अल्फ़ाबेट के लिए। जब अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज की बात की जाती है, अल्फ़ाबेट जब नंबर सीरीज होती है, तो उसके लिए आपको नंबर पता होने चाहिए अल्फ़ाबेट के। तो कैसे, जैसे सीरीज ए किस नंबर पर आता है, जैसे वन पे आता है, ये आपको पता है। जैसे बी कितने नंबर पे आता है, दो नंबर पे आता है, ऐसे। तो हम इस ट्रिक को किस तरीके से फॉलो करने वाले हैं, तो देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखें, हम यहाँ पे ध्यान रखें ई ज्योति, ई ज्योति 5, 10, 15, 20 और 25, ये कोड ध्यान रखना है। ई का कोड क्या है, वाई का कोड क्या है, जेड का कोड क्या है, इस तरीके से। यदि हम बात करें एक्स वाई और जेड, तो हम इसको कह सकते हैं 24, 25 और 26। ओके, तो अभी तक हमने अल्फ़ाबेट सीरीज इस तरीके से नंबरिंग सारी याद रखने, पहला पॉइंट ये ध्यान रखें, सेकंड नंबर पॉइंट ये ध्यान रखें, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना होता है, क्वेश्चन क्यू का मतलब क्वेश्चन नंबर 17। ट्रेन का नाम ध्यान रखना है, सब कुछ, हर एक छोटे छोटे जो पॉइंट बता रहा हूँ ये ध्यान रखें। आर एस टी मतलब 18, 19, 20, आर एस टी बस के नंबर हो गए 18, 19, 20, ऐसे सोच सकते हो। ओके, हाँ, फाइव नंबर जो पॉइंट है एच, एच की तरह ही क्या दिखता है, एट दिखता है। यदि हम एच को यहाँ पे मिला लेते हैं तो एट की तरह दिखेगा ये, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें, तो एच को एट कहा जाता है, आई को नाइन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, सिक्स नंबर पॉइंट। सेवन नंबर बात करें ए बी सी, नॉर्मली आपको पता है ए बी सी जो 1, 2 और 3 हो गया, एट नंबर पॉइंट ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर, जे और के का मतलब जम्मू कश्मीर, 10 और 11। नाइन नंबर ध्यान रखें लक्ष्मी नारायण, जिसका क्या हो जाएगा 12 और 14। और 10 नंबर ध्यान रखें एम मतलब जो है वो कितने नंबर पे, मैं 13 और 13। ओके, तो इस तरीके से ये सभी कोड हो चुके हैं। कुछ कोड बचे हैं, जैसे पी बचा है 11 नंबर, पी के सोजा, तो इसका मतलब आप 16 नंबर याद रखें। तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस टी हो गया, यू और वी और डब्ल्यू बचा है। तो देखिए U V और W, U V और W, देखिए R S T तो पता है, V C, तो ये 21, 22 और ये 23 हो गया, एक ग्रुप ये ध्यान रखें। ओके, तो इस तरह की 21, 22 और ये 23, बाकी A B C D E हो गया, F, F का मतलब फिक्स याद रखें, F का मतलब फिक्स, और ये हो गया 6, इस तरीके से। H हो गया, G हो गया, G7 पे ध्यान रखें, G7 सम्मेलन जो होता है इस तरीके से याद रखना होगा। 8 हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, जे के एम एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, देखिए क्यू हो गया, आर हो गया, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलो, ये सारी नंबरिंग सीरीज में आपको इस तरीके से ये सारे ध्यान रखना है, याद कर लेना है सभी। ओके, तो अभी हम देखें ए कितने नंबर पर आता है, एक नंबर पर आता है, और डी की बात करें तो ये 4 नंबर पर है, जी कितने नंबर पर, 7, और जे कितने हो गए, 10। ओके, तो अभी यहाँ पे हमको पता चल गई सीक्वेंस। तो अभी यहाँ पे देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, +3 का है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है। 10 और 3 कितने हैं, 10 + 3 को जोड़ा तो कितने बने, 13। और 13 को हम क्या कहते हैं बताइए, 13 को क्या कहा जाता है, अभी हमने देखा, देखो सिक्वेंस में जल्दी सीरीज में देखिए 13 को हमने क्या बोला है। देखिए 13 को हमने क्या बोला, 13 को हमने बोला है एम, क्या बोला, एम, मैं 13। तो यहाँ पे सीक्वेंस में अपना सही आंसर क्या आ जाएगा, एम, आंसर एम यहाँ पे राइट होगा। ओके, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से बताइए एफ कितने नंबर पे आ रहा है। देखिए 6 नंबर पे, जे आ जाएगा 10 नंबर पे, लक्ष्मी नारायण बोला मैंने, लक्ष्मी नारायण कितने नंबर, 12 और 14। ओके, तो ये एन जो हो गया 14। फिर मैंने आर एस टी बोला था 18, 19 और 20, तो आर जो होता है कितने नंबर पर, 18। तो अब बताइए आगे सिक्वेंस में क्या बनेगा, देखिए 6 + 4 यदि जोड़े 10, और 10 + 4 जोड़े 14 + 4 जोड़े 18, 18 + 4 जोड़े 22। अब 22 को क्या कहा जाता है, तो देखिए 22 को क्या कहा जाता है, यू वी और डब्लू,
जो हमने बोला था 21, 22 और 23, तो क्या कहा जाता है 22 को वी, तो यहाँ पे अगली सीक्वेंस में अपना अल्फाबेट का वी आ जाएगा। क्या आंसर राइट होगा? वी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट बताइए थर्ड नंबर क्वेश्चन जल्दी से। अभी हम धीरे धीरे हार्ड की ओर चलेंगे, अभी नॉर्मल कर रहे हैं। देखिए ए कितने नंबर पर आ रहा है, बी कितने नंबर पर आ रहा है, बताइए जल्दी से बताइए। तो देखिए ए आ गया अपना एक नंबर पे, डी हो गया यहाँ पे, डी हो गया यहाँ पे फोर नंबर पे, आई हो गया नाइन नंबर पे, और यहाँ पी हो गया 16 नंबर पे। तो यहाँ पे हम देखें तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं ये एक स्क्वायर हो सकता है, ये दो का स्क्वायर हो गया, ये थ्री का स्क्वायर हो गया, ये फोर का स्क्वायर हो गया, तो आगे फाइव का स्क्वायर ही होगा, इस तरीके से चलेगा। तो यदि फाइव का स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाता है 25, तो यहाँ पे अपना 25 आ गया, और 25 को हम क्या कहते हैं यहाँ पे वाई कहा जाता है। ओके, एक तो ये सीक्वेंस बन रही है। यदि हम 1, 4, 9, 16 यदि हम इनको जोड़े, 3 + 3 हो गया, प्लस यहाँ पे जोड़े 5 हो गया, 5 के बाद यहाँ 7 हो गया, और 7 के बाद यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ के 2 और यहाँ पे 2, तो लेकिन अपने तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ 25 हो रहा है, 25 को क्या कहा जाता है वाई। ये दो ट्रिक यहाँ पे फॉलो हो रही है, वाई ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके, चलो बताइए फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर बताइए क्या होगा। देखिए फोर्थ नंबर में एक नंबर हो गया, सी जो है 3 नंबर पे, ई जो होता है 5, और जी हो गया 7। तभी हम प्लस यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ प्लस 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ प्लस 2 होगा 9, और 9 को क्या कहा जाता है आई कहा जाता है, क्या कहा जाता है आई। ओके, तो यहाँ पे आई ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आई ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो सिक्वेंस अगली देखिए, फाइव नंबर में क्या है। अब मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिया है। देखिए बात करें ए को, ए और जेड, तो ध्यान से देखिए ए आ गया और जेड आ गया, फिर यहाँ देखिए सी आ गया और एक्स आ गया, फिर ई आ गया और वी आ गया, फिर जी आ गया, टी आ गया, तो आगे यहाँ पे क्या आएगा वो देखना है। तो देखिए ये हम देखें तो ये एक नंबर पे आ रहा है। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दो सीरीज के साथ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से। तो एक नंबर हो गया, ये सी 3 नंबर, ई 5 नंबर, जी 7 नंबर। तो देखिए यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, यहाँ प्लस 2 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 2 ही होगा, तो यहाँ पे आएगा 9। चलो 9 को हम क्या कहते हैं आई कहते हैं। चलो आगे देखते हैं, जेड कितने पे आता है 26 पे, एक्स कितने पे आता है दोस्तों 24, वी कितने पे आता है 22, और टी कितने पे आता है 20 पे। तो आगे देखते हैं, देखिए 26 माइनस 2, 24 माइनस 2, 22 माइनस 2, और 20 माइनस 2 कितना आया 18। 18 को क्या कहा जाता है आर एस टी, 18 आर कहा जाता है। तो इसका मतलब अपना आई और आर, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आई आर। ओके डन, किस तरीके से क्वेश्चन करना है पता चल चुका है आपको। चलो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन। चलो सिक्स नंबर बताइए फिर, अब सिक्स नंबर सॉल्व कैसे करेंगे, सेम अप्रोच लगानी है। तो देखिए जी हो गया यहाँ पे 7 पे, एच हो गया 8 पे, जे हो गया 10 पे, और ये हो गया 11 पे, एम हो गया 13 पे, एन हो गया 12 पे, लक्ष्मी नारायण सॉरी 14 पे हो गई, पी हो गया 16 पे, क्वेश्चन हो गया 17 पे। ओके इसी तरीके से चले। तो देखिए अब यहाँ पे 7 हो रहा है और यहाँ 10 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, 10 और 3 कितना हो रहा है 13, 13 और 3 कितना हो रहा है 16, और 16 और 3 क्या हो रहा है 19, 19 को क्या कहा जाता है एस कहा जाता है, क्या कहा जाता है एस। फिर यहाँ पे देखें आगे, यहाँ पे 8 और 11 प्लस 3 हो रहा है, 11 और 3 14 हो रहा है, 14 और 3 कितना हो रहा है 17, और 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, और 20 को क्या कहा जाता है टी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा एस टी, क्या हो गया दोस्तों एस टी यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके डन, चलो बताइए जल्दी से फिर सेवन नंबर, सेवन नंबर में क्या अप्रोच रहेगी दोस्तों। देखिए बहुत ईजी है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी, मतलब यहाँ पे ए को हमने क्या कहा 1, बी को क्या कहा 2, डी को 4, जी को 7, यही हुआ। तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 1 + 1 हो रहा है, यहाँ प्लस 2 हो रहा है, यहाँ प्लस 3 हो रहा है, तो आगे प्लस 4 ही होगा, तो 11 होगा, कितना आएगा 11। इसी तरीके से डी की बात करें, देखिए
अब डी में क्या है, डी और फोर, तो डी कितने पे आता है, फोर पे, ई कितने पे आता है, फाइव पे, ये जी आता है सेवन पे, जे आता है दस पे। तो देखिए चार और एक कितने हो गए पाँच, पाँच और दो कितने हो गए सात, सात और तीन कितने हो गए दस, दस और चार कितने हो गए चौदह, तो इसका मतलब आगे आएगा अपना फोर्टीन। तो इलेवन को क्या कहा जाता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर दस और ग्यारह, तो इसका मतलब के कहा जाता है। चौदह को क्या कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, तो एन कहा जाता है, तो के एन ऑप्शन राइट होगा। क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, के एन ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके समझ में आ रही है सीरीज है, चलो आगे देखते हैं। सीरीज नंबर एट का क्वेश्चन, बहुत एट बहुत इजी दिया मैंने। एट नंबर में क्या देखिए, दो बात करें यहाँ पे आ गया टू, फिर यहाँ पे डी जो होता है फोर पे, और एफ जो हो गया यहाँ पे सिक्स पे, एच जो हो गया एट पे, डी हो गया फोर पे, और जम्मू कश्मीर हो गया दस पे। देखिए अब बी तो पता चल चुका है दो पे, यहाँ प्लस दो हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस दो हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस दो हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस दो हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस दो होगा, तो कितना हो गया बारह। और बारह को क्या कहा जाता है दोस्तों, एल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल। चलो बताइए फिर अगला नाइन नंबर, बहुत ईजी है नाइन भी। देखिए यहाँ एक हो गया, ए जो होता है कितने पे आ जाता है, यहाँ पे ए एक पे आ गया, ई फाइव पे आ गया, आई नाइन पे आ गया, और एम तेरह पे आ गया। ओके तो देखिए यहाँ प्लस का चार हो चुका है, यहाँ पे भी प्लस का चार है, यहाँ पे भी प्लस का चार, तो यहाँ पे भी चार, तो यहाँ आ गया सत्रह। और क्वेश्चन नंबर मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सत्रह, क्वेश्चन नंबर सत्रह, तो इसका मतलब सत्रह को क्या कहा जाता है, क्यू कहा जाता है, तो यहाँ क्यू ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कितने पे आता है बताइए जल्दी से। ए जो आता है दोस्तों कितने पे आता है, एक नंबर पे, बी आता है दो पे, सी आता है